Hi student, today we are discussing the most important topic, that is a classification of the kingdom plantae. It is 11th biology, chapter number 3, kingdom plantae. Here student, we are studying the classification of the organism according to their similarity and the differences. That is, the organisms are classified into various kingdoms, that is the 5 kingdom system, that is the kingdom Monera, Protista, then Fungi, Animalia and the Plantae. We are discussing in a last chapter, that is the 5 kingdom system. Konse kingdom 5? तो किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड द एनिमालिया. दिस आर द ए 5 किंगडम सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर ए सिमिलर कैरेक्टर एंड द डिसिमिलर कैरेक्टर. मींस द आर एच विटेकर क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू द 5 किंगडम सिस्टम. दैट इज द किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, then kingdom protista, then kingdom fungi, then kingdom plantae and kingdom animalia. So student, how to remember the 5 kingdom system? ये देखो, आपने hand के 5 fingers जो है, उसको ध्यान देना. Kingdom monera, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमालिया एंड लास्ट वन इज द किंगडम प्लांटी. तो आर एच विटेकर क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू द 5 किंगडम सिस्टम. ओके, तो आज के चैप्टर के अंदर स्टडी करना है किंगडम प्लांटी. ओके, क्लासिफिकेशन एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी. स्टूडेंट, किंगडम प्लांटी के अंदर ये देखो, तुम्हारे सामने एक प्लांट है, तो उसके बारे में क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं. देखो, रूट सिस्टम है, स्टेम, लीव्स, देन फ्लावर्स, देन फ्रूट, देन सीड्स एंड सम प्लांट्स आर फाउंड इन ए वाटर. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एक्वाटिक हैबिटेट. मीन्स द ए प्लांट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ एज वेल एज द ऑन द ट्रीज और ऑन द एरियल. सम आर द पैरासिटिक, सम आर द सिम्बायोटिक, सम आर द एक्वाटिक, सम आर द टेरेस्ट्रियल. दीज आर द ए वराइटी ऑफ द हैबिटेट. ओके, तो स्टूडेंट ये देखो, किंगडम प्लांटी, यहाँ पे किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन स्टडी करना है. ओके, तो व्हाट इज मीन बाय द क्लासिफिकेशन? सिंपल है, कौन से ही ऑर्गेनिज्म हो या ग्रुप हो, उसके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर. तो क्लासिफिकेशन मीन्स द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ए सिमिलैरिटी and the differences are called as the classification. ये देखो, ये plants के अंदर या organisms के अंदर जो similar character है, उसकी systematic arrangement. Okay, according to the similarity and the differences. So that we are going to any medical store, so there is a systematic arrangement of the medicine. According to the alphabets, according to the alphabets with the similar and the dissimilar character, that is called as the classification. So here, very simple, kingdom plantae are classified into mainly two groups, that is the cryptogams and the phanerogams. ये देखो स्टूडेंट, शुरू में क्या है, cryptogams और ये फैनोरोगैम्स. यहाँ पे गैम्स मीन्स द फ्यूजन मैरिज, गैम्स मीन्स द
फ्यूजन और ए मैरिज। देन इधर है क्रिप्टो, तो क्रिप्टोम इज द ए नॉन फ्लावरिंग, क्रिप्टोम इज द नॉन फ्लावरिंग ओके। एंड हियर फेनोरोम इज द फ्लावरिंग, फेनोरोम इज द फ्लावरिंग एंड क्रिप्टोम इज द नॉन फ्लावरिंग ओके। तो वी आर स्टडीड स्टूडेंट, तुमने स्टडी किया होगा कि इन्हें नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड ओके फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड द फ्लावरिंग प्लांट ओके। कुछ कुछ बच्चे ने मराठी मीडियम से पढ़ाई की होंगी कि अपुष्प वनस्पति सपुष्प वनस्पति ओके। पुष्प म्हणजे फ्लावर, तो यहाँ पे 11th के अंदर एक क्रिप्टोगैम्स एंड द फेनोरोगैम्स, तो क्रिप्टोगैम्स इज द ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड दिस नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ए नॉन वेस्क्युलर एंड द वेस्क्युलर। यहाँ पे देखो ए वेस्क्युलर, ए वेस्क्युलर वर्डिंग इज द ए प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। स्टूडेंट व्हाट इज मीन बाय द टिश्यू, तो टिश्यू मीन्स द इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एज द टिश्यू। बहुत सारे सेल्स उसके ए सिंगल फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, उसको क्या बोलेंगे हम टिश्यू ओके। तो यहां पे प्लांट टिश्यू के अंदर ये वेस्क्युलर टिश्यू आते, तो वेस्क्युलर टिश्यू इज द देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए जाइलम एंड फ्लोएम, प्रेजेंस ऑफ ए जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर द ए वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू। जिस प्लांट के अंदर ए जाइलम फ्लोएम है ओके, उसको क्या बोलेंगे हम वेस्क्युलर प्लांट, उसको क्या बोलेंगे वेस्क्युलर प्लांट। तो वेस्क्युलर प्लांट इज द ए दोस प्लांट्स हैविंग द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू आर कॉल्ड एज द वेस्क्युलर प्लांट। जिस प्लांट्स के अंदर ए जाइलम है, फ्लोएम है, तो उस ग्रुप को, उस प्लांट्स को क्या बोलेंगे हम वेस्क्युलर टिश्यू। और जिस प्लांट के अंदर ए वेस्क्युलर टिश्यू नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम ए नॉन वेस्क्युलर प्लांट ओके। तो यहां पे नॉन वेस्क्युलर प्लांट एंड द वेस्क्युलर प्लांट, बच्चों यहां पे समझ में आए कि व्हाट इज मीन बाय द क्रिप्टोगैम्स ओके। तो क्रिप्टोगैम्स इज द ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिस प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स नहीं है ओके, उसको क्या बोलेंगे हम क्रिप्टोगैम्स। एंड दिस क्रिप्टोगैम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ए नॉन वेस्क्युलर प्लांट एंड द वेस्क्युलर प्लांट। तो नॉन वेस्क्युलर प्लांट इज द देयर इज ए एब्सेंस ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू एंड विच कंडक्ट्स द ए वाटर एंड फूड मटेरियल, विच कंडक्ट द वाटर एंड फूड मटेरियल, हेंस इट इज कॉल्ड एज द वेस्क्युलर और इट इज ऑल्सो नोन एज द कंडक्टिंग टिश्यू और ए कंडक्टिंग सिस्टम, विच कंडक्ट द वाटर एंड फूड, हेंस इट इज कॉल्ड एज द ए कंडक्टिंग टिश्यू और इट इज ऑल्सो नोन एज द ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। द वेस्क्युलर टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू और द कंडक्टिंग टिश्यू ओके। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेस्क्युलर टिश्यू, इट इज ए वेसल लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कंडक्ट्स द वाटर एंड फूड मटेरियल, हेंस इट इज कॉल्ड एज द वेस्क्युलर टिश्यू एंड द प्लांट्स आर कॉल्ड एज द वेस्क्युलर प्लांट। तो बच्चों यहां पे नॉन वेस्क्युलर मीन्स द जिसके अंदर वेसल्स नहीं है, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम अब्सेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम नॉन वेस्क्युलर प्लांट। एंड दिस नॉन वेस्क्युलर प्लांट अगेन आर क्लासिफाइड इनटू थैलोफाइटा एंड द ब्रायोफाइटा।
यहाँ पे देखो थैलो फाइटा, ध्यान देना कि फाइटा वर्डिंग देखो, फाइटा PHYTA, ये बायोलॉजी के अंदर जहां भी फाइटा आता है जनरली इट इज सीन इन ए बॉटनी, और ये प्लांट्स के अंदर फाइटा आता। तो बच्चों फाइटा इज द प्लांट, फाइटा इज द प्लांट, ओके। फाइटा को क्या बोलेंगे हम, प्लांट्स। एंड थैलो इज द थैलस, थैलो इज द थैलस, ओके। तो यहां पे थैलो फाइटा इज द ए थैलस प्लांट, क्या मीनिंग हो गया, थैलस प्लांट। एंड व्हाट इज मीन बाय द थैलस, थैलस इज द ए प्लांट एंड विच इज अ अनडिफरेंशिएशन ऑफ द रूट स्टेम एंड द लीव्स आर कॉल्ड एज द थैलोफाइटा, ओके। तो थैलोफाइटा मींस द ए प्लांट्स आर थैलस लाइक, प्लांट्स आर थैलस लाइक मींस द ए थैलस मींस द अनडिफरेंशिएशन ऑफ द रूट स्टेम एंड द लीव्स। जिस प्लांट के अंदर हम डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है, मींस द अनडिफरेंशिएशन ऑफ द रूट स्टेम एंड द लीव्स, उसको क्या बोलेंगे हम, थैलस। एंड द प्लांट ग्रुप्स आर कॉल्ड एज द थैलोफाइटा, ओके। थैलोफाइटा मींस द ए थैलस लाइक प्लांट बॉडी, और ए द प्लांट्स ग्रो व्हिच इज द ए थैलस लाइक स्ट्रक्चर मींस द अनडिफरेंशिएशन ऑफ द रूट स्टेम एंड द लीव्स, ओके। अब देखो ये प्लांट है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या, ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है, नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, थैलस। एंड द प्लांट बॉडी इज द थैलॉइड मींस द अनडिफरेंशिएशन ऑफ द रूट स्टेम एंड द लीव्स आर कॉल्ड एज द ए थैलस। एंड द प्लांट बॉडीज आर कॉल्ड एज द थैलोफाइटा, इसके अंदर अलगी आता, इसके अंदर क्या है, अलगी। यू नो अबाउट अलगी, अलगी का नाम सुना है। तो अलगी मींस द इट इज ए एक्वेटिक हैबिटेट मींस द पानी के अंदर, ओके। मींस द दोस प्लांट्स आर फाउंड इन ए वाटर आर कॉल्ड एज द एक्वेटिक इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एज द अलगी, ओके। इन ए अलगी फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, ओके। क्या एग्जाम्पल है, स्पायरोगायरा, ओके। स्पायरोगायरा इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए अलगी। एंड देयर नेचर इज ए थैलॉइड मींस द अनडिफरेंशिएशन ऑफ द रूट स्टेम एंड द लीव्स आर कॉल्ड एज द ए थैलस और ए थैलोफाइटा। दूसरा है फंजाय, ओके। फंजाय मींस द दोज प्लांट्स आर ग्रो ऑन ए डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो होते उसको क्या बोलेंगे हम, फंजाय। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, ये देखो स्टूडेंट, ये रेनी सीजन के अंदर जहां पे प्लांट रेसिड्यूज है उसके ऊपर ऐसी ए अम्ब्रेला सेफड़ा स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा, अम्ब्रेला सेफड़ा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ए मशरूम, और इट इज ए एगेरिकस लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट प्लांट्स आर कॉल्ड एज द फंजाय, ओके। और एक बेस्ट एग्जांपल, एक ब्रेड ले लो और वो ब्रेड को अपने रूम के अंदर कोने में एक दिन या दो दिन में रखो, उसके ऊपर क्या होता है, तो फंजाय ग्रो होता है, ओके। उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूकर, उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूकर। मींस द दोज प्लांट्स आर ग्रो और ए डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज कॉल्ड एज द फंजाय, ओके। मींस द स्टूडेंट इन ए थैलोफाइटा वी आर स्टडीइंग द अल्गी एंड द फंजाय, ओके। अल्गी एंड द फंजाय मींस द देयर प्लांट नेचर इज ए थैलोफाइटिक इन नेचर मींस द प्लांट बॉडी इज द थैलॉइड और ए थैलस लाइक मींस द देयर इज ए अनडिफरेंशिएशन ऑफ द रूट्स स्टेम एंड द लीव्स दैट इज कॉल्ड एज द थैलॉइड एंड प्लांट ग्रोथ्स आर कॉल्ड एज द थैलोफाइटा, ओके।
आर यू अंडरस्टैंड? ओके, तो नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। यहां पे देखो फाइटा इज द प्लांट, फाइटा इज द प्लांट एंड दोज प्लांट्स आर ग्रो इन ए स्टैग्नेंट वाटर, ग्रो इन ए स्टैग्नेंट वाटर एंड इन बिटवीन द वाटर एंड लैंड, इन बिटवीन द वाटर एंड लैंड दैट इज कॉल्ड लाइक द ब्रायोफाइटा और इट इज ऑल्सो नोन एज द इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एक्वाटिक हैबिटेट एंड द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मीन्स द नेचर ऑफ हैबिटेट इन ए ब्रायोफाइट इज ए एम्फीबियस, इज ए एम्फीबियस इन नेचर, मीन्स द उभयस्थित। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए ब्रायोफाइटिक प्लांट नीड्स द वॉटर, म्हणजे याचं फर्टिलायझेशन होण्यासाठी वॉटरची आवश्यकता आहे, म्हणजेच हे आहे एम्फीबियस इन नेचर, मीन्स द नीड्स द वॉटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन, हेन्स इट इज कॉल्ड एज द एम्फीबियस इन नेचर। फॉर एक्झाम्पल मार्किनशिया, फॉर एक्झाम्पल मार्किनशिया दॅट इन ए क्रिप्टोगॅम्स वेस्क्युलर प्लांट। तो बच्चो वेस्क्युलर प्लांट इज देयर इज ए प्रेझेन्स ऑफ ए झायलोमाइट फ्लॅब एंड विच कंडक्ट द वॉटर एंड फूड मटेरियल, हे दे आर कॉल्ड एज द वेस्क्युलर प्लांट। फॉर एक्झाम्पल टेरिडोफाइटा, ओके टेरिडोफाइटा, हियर फाइटा इज द प्लांट, ध्यान में रखो ये बॉटनी के अंदर बायोलॉजी के अंदर फाइटा PHYTA फाइटा आया तो उसका मीनिंग क्या है प्लांट्स एंड टेरियो, यहां पे देखो पी साइलेंट है, इसका उच्चार जो है तो टी से स्टार्ट होता है लेकिन पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा। यहां पे टेरियो टेरिडो, टेरिडो मीन्स द फीडर्स, टेरिडो मीन्स द फीडर्स, ऐसे बर्ड के फीडर्स रहते उसकी प्लांट बॉडी जैसी है सिमिलर टू फीडर्स, हेन्स इट इज कॉल्ड एज द टेरिडो फाइटा। मीन्स द प्लांट बॉडीज आर द वेस्क्युलर, वेस्क्युलर मीन्स द देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए झायलोमाइन फ्लॅब एंड प्लांट बॉडी आर लुक्स लाइक ए फीडर्स, हेन्स इट इज कॉल्ड एज द टेरिडो फाइटा। फॉर एक्झाम्पल फर्न नेप्रोलोपिस, फर्न नेप्रोलोपिस, ओके जैसे बर्ड्स के फीडर्स रहते उसके वैसी प्लांट बॉडी है इसलिए क्या बोलेंगे हम टेरिडो फाइटा, ओके टेरिडो फाइटा। तो यहां पे वेस्क्युलर प्लांट्स के अंदर टेरिडो फाइटा, तो टेरिडो फाइटा का एग्जांपल है फर्न नेप्रोलोपिस, ओके इन मराठी नेचे, उसको क्या बोलेंगे हम नेचे, ओके मार्सेलिया है, फर्न नेप्रोलोपिस है, तो स्टूडेंट हियर क्रिप्टोगैम्स हो गया, तो क्रिप्टोगैम्स में ध्यान में रखना है नॉन वेस्क्युलर एंड वेस्क्युलर, नॉन वेस्क्युलर के अंदर थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, यहां पे थैलोफाइटा थैलो मीन्स द थैलस एंड उसके अंदर एल्गी एंड द फंजाई, ओके एंड वेस्क्युलर प्लांट्स के अंदर ब्रायो टेरिडोफाइटा, नॉट अ ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है फैनोरोगैम्स, यहां पे देखो गैम्स इज द मैरिज और ए फ्यूजन एंड फैनोरो मीन्स द फ्लावरिंग, फैनोरो मीन्स द फ्लावरिंग, ओके फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दी ऑल द फैनोरोगैम्स आर वेस्क्युलर प्लांट्स, ऑल द फैनोरोगैम्स आर वेस्क्युलर प्लांट, मीन्स द देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए वेस्क्युलर बंडल, वेस्क्युलर टिश्यू, वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ए वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल डेवलप्ड ए झायलम एंड फ्लॅम, दैट ग्रुप्स आर कॉल्ड एज द वेस्क्युलर प्लांट्स एंड दीज वेस्क्युलर प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू ए जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। स्टूडेंट यहां पे देखो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिम्नो मीन्स द नेकेड,
जिम्नो मीन्स द नेक एंड स्पॉन्स मीन्स द सीड, स्पॉन्स मीन्स द सीड। तो मीनिंग क्या हो गया देखो, ये देखो जिम्नो मीन्स द नेक ओपन एंड स्पॉन्स मीन्स द सीड, मीन्स द जिम्नोस्पर्म इज द नेकेड सीडेड प्लांट ग्रुप्स आर कॉल्ड एज द जिम्नोस्पर्म। जिस प्लांट्स के अंदर सीड्स नेकेड है, सीड्स ओपन है, उसको क्या बोलेंगे हम जिम्नोस्पर्म। ओके एंड फॉर एग्जांपल साइकस पाइनस एंड नीटा, ये देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये मीनिंग समझ में आना चाहिए। जिम्नो मीन्स द नेकेड एंड स्पर्म्स मीन्स द सीड। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोफाइटा मीन्स द दिस फेमरोगैम्स इज आल्सो नोन एज द स्पर्मेटोफाइटा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोफाइटा, बिकॉज ए स्पर्मेटो मीन्स द सीड, स्पर्मेटो मीन्स द सेल्स and phyta is the plant. The plant which bears the seeds are called as the spermatophyta. These plants को जो seeds आते हैं उसको क्या बोलेंगे हम spermatophyta. And these spermatophyta are further classified into gymnosperm and the angiosperm. तो gymnosperm के अंदर all seeds are naked. Seeds are not covered by ए फ्रूट वर्म, हेज दे आर कॉल्ड एज द जिम्नोस्पर्म, फॉर एग्जाम्पल साइकस पाइनस एंड द नीटा। देन नेक्स्ट ग्रुप इज द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज ए टुडे द डोमिनेटिंग वेजिटेशन, आज के इस वेजिटेशन के अंदर जिधर भी देखे उधर क्या है, सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, सब फ्लावरिंग प्लांट्स है। ओके जो अपन यहाँ ग्रासेस देख रहे हैं वो एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स है, फॉर एग्जाम्पल बबुल ट्री है, जामुल ट्री है और मैंगो प्लांट है, ये सब एंजियोस्पर्म के अंदर आते। तो ए टुडे द डोमिनेटिंग वेजिटेशन, और डोमिनेटिंग वेजिटेशन किसको बोलेंगे आप, जहां इधर उधर देखो तो कौन से प्लांट देखते है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का देखने में आते, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ए टुडे डोमिनेटिंग वेजिटेशन। और एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या है, एंजियो ये देखो ए एन जी आर ओ, इसका मीनिंग क्या है, हिडन, एंजियो इज द हिडन, दैट इज द क्लोज्ड अप, हिडन और ए क्लोज्ड अप। एंड स्पर्म्स इज द सीड, द हिडन सीडेड प्लांट ग्रुप्स आर कॉल्ड एज द एंजियोस्पर्म। ओके अब देखो बेस्ट एग्जांपल, यहां पे देखो बोलो क्या है, मैंगो है ना, मैंगो, तो मैंगो ये सीड है मैंगो का और उसके ऊपर कवरिंग है, उसके ऊपर क्या है कवरिंग, तो हिडन और ए क्लोज्ड सीड, हिडन और ए क्लोज्ड सीड, सीड सीड इज कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज द ए फ्रूट। ओके ए फ्रूट की कवरिंग है, वॉल ऑफ द फ्रूट दैट इज कॉल्ड एज द हिडन सीड्स और ए क्लोज्ड सीड, विद द एंजियोस्पर्म इज द हिडन सीड्स और ए क्लोज्ड सीड। एंड दिस एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड into dicotyledons and the monocotyledon. Here start di 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 means two and cotyledon. ये देखो seed के अंदर ये ऐसे दो part है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, dicot. Okay and monocot single, monocot के अंदर single. Okay इसका example क्या है, जवार, जवार में बाजरा वीट, दीज आर द मोनोकॉटिलीडॉन। एंड डाइकॉट इज द ए सीड विद द टू कॉटिलीडॉन, सीड विद द टू कॉटिलीडॉन आर कॉल्ड इज द ए डाइकॉट। ओके तो डाइकॉट्स मीन्स द
ए सीड्स विद द ए टू कॉटली डॉट, सीड के अंदर दो कॉटली डॉट है उसको क्या बोलेंगे हम, डाइकॉट या द्विदल प्लांट्स। और मोनोकॉट के अंदर एक ही सिंगल कॉटली डॉट है उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोकॉट, ज्वार, मेज, बाजरा। ओके, जिस सीड के नेचुरली दो पार्ट बनते हैं, जिस सीड के नेचुरली दो पार्ट्स बनते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, डाइकॉट। और जिस सीड के नेचुरली दो पार्ट नहीं बनते उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोकॉट। ओके, समझ में आया ना, डाइकॉट या मोनोकॉट। ओके, यहां पे ब्रीफ स्टडी है, आगे चल के डिटेल स्टडी करेंगे आप और डाइकॉट्स एंड द मोनोकॉट। ओके, तो स्टूडेंट हियर इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 दैट इज द किंगडम प्लांटी। ओके, प्लांटी किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन, और प्लांटी के अंदर दो पार्ट्स बनते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड द फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम्स इज द ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फेनेरोगैम्स और इट इज आल्सो नोन एज द स्पर्मेटोफाइटा। And cryptogams are further classified into two groups on the basis of a vascular bundle. इसके दो ग्रुप बनते हैं, कायका में से वेस्कुलर, और वेस्कुलर बोले तो फूड एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो नॉन वेस्कुलर प्लांट में के अंदर थैलोफाइटा एंड द ब्रायोफाइटा। स्टूडेंट यहां पे देखो थैलो नॉट अ हेलो। ओके, फोन आए क्या अपन हेलो करते वैसा हेलो नहीं, यहाँ पे क्या है थैलो, थैलो मींस द थैलस, और थैलस मींस द अनडिफरेंशिएटेड स्टेमेन, द लीव्स आर कॉल्ड लाइक द थैलस। अपन डिफरेंशिएट नहीं करते, नहीं कर सकते कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है, उसको क्या बोलेंगे आप, थैलस। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अल्गी या फंजाई, ओके थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा तो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एज इट इज कॉल्ड एज एम्फीबियस इन नेचर। ओके, देन वेस्कुलर प्लांट के अंदर है टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट इज द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट सक्सेसफुल ए टेरेस्ट्रियल प्लांट, यहां से ओरिजिन हो जाती टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या लैंड हैबिटेट। इधर देखो अल्गी का हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक, पानी के अंदर रहता है। देन फंजाई जहां पे डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ओ, और ब्रायोफाइटा जहां पे दलदल पार्ट है। ओके, तो ब्रायोफाइट ग्रो ऑन ए लैंड हैबिटेट बट नीड्स द वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, हेज दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियस इन नेचर। अगर वाटर नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन नहीं, और फर्टिलाइजेशन नहीं तो आगे का पॉपुलेशन, आगे का लाइफ साइकिल स्टॉप हो जाता है, इसलिए वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, हेज दे आर कॉल्ड द एम्फीबियस इन नेचर। और यहां से स्टार्ट हो जाता है टेरेस्ट्रियल और द लैंड हैबिटेट। ओके, देन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। ओके, देन फेनेरोगैम्स, स्पर्मेटोफाइटा दैट इज द वेस्कुलर, प्रेजेंस ऑफ ए जाइलम एंड फ्लोएम। देन दीज वेस्कुलर प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हियर जिम्नोम इज द नेकेड एंड स्पर्म्स इज द सीड। द नेकेड सीडेड प्लांट ग्रुप्स आर कॉल्ड एज द जिम्नोस्पर्म, फॉर एग्जाम्पल साइकस, स्पाइनस एंड द नीटम। दिस प्लांट्स के अंदर सीड्स आर नेकेड विदाउट कवरिंग आर कॉल्ड एज द जिम्नोस्पर्म, और एंजियोम इज द हिडन ऑन ए क्लोजर। सीड्स आर कवर्ड बाय ए ओवरी वॉल और ए फ्रूट वॉल दैट इज कॉल्ड एज द एंजियोस्पर्म, एंड दे आर क्लासिफाइड इंटू डाइकॉटिलीडॉनी और ए मोनोकॉटिलीडॉनी ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉटिलीडॉन। Here dicots with the a seed with the consist of a two cotyledon are called as the dicot, that is the a two cotyledon. For example, mango, green gram, red gram. Okay,
चना उसके एग्जांपल, ग्राउंडनट, देन मोनोकॉट। ये देखो ये सिंगल है, ये देखो तुम वीट के अंदर, मेज के अंदर, जवार के अंदर, बाजरा के अंदर ये सिंगल कॉटलीडॉन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोकॉटलीडॉन। ओके समझ में आए। थैंक यू।